हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, टाटा स्टील की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी किया था, रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेनिंग। किन के लिए? ये उनके लिए निकाला गया था जिनके पेरेंट्स जो टाटा स्टील में जॉब करते, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्म फिलअप जारी किया गया था। कब? 1 मार्च को ये जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा, है ना। यहाँ पे बोला गया था थ्रू रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, विच विल कंप्राइज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है। और द क्वेश्चंस रहेगा, जो रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेंगे ये सब क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट हो जाओ तो आप लोगों का फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों को 3 साल का ट्रेनिंग कोर्स में डाल दिया जाएगा, जिसमें से आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। 3 साल का कोर्स के बाद आप लोगों का परमानेंट जॉब मिलने का ज़्यादा चांसेस मिल सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया था ये रजिस्टर्ड रिलेशन वालों के लिए, ठीक है। बट इसका फिक्स डेट बताया नहीं गया था कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इसमें फिक्स डेट बताया नहीं गया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो इसमें एक न्यूज़ निकल कर आया था, न्यूज़ में ये बता दिया था कि टाटा स्टील में निबंधित आश्रितों की 24 अक्टूबर को होगी परीक्षा। ये वही नोटिफिकेशन का न्यूज़ है जिसमें बोला गया कि जो एग्ज़ाम है वो अब 24 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब आज 19 तारीख है तो 24 को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। सूत्र के अनुसार लिखित परीक्षा लेने के लिए शहर में 17 से 20 स्कूलों में सेंटर बनाया जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ सिलेबस के बारे में अगर कुछ बता दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, सिलेबस की बात की जाए, आप लोगों का जो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा बहुत ही ईजी रहेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो इतना समझिए, आपसे बस 10th के बेसिस पे आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे टाटा स्टील अप्रेंटिस वालों का क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया था, जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस आप लोगों का इसमें ट्रेनी वालों के लिए भी वही सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस की बात किया तो सिलेबस में देखिए, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड रीजनिंग्स वगैरह क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी क्लास 10 का, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इस बार जो टाटा स्टील अप्रेंटिस का जो क्वेश्चंस आया था, किसी ने कहा था बहुत इजी क्वेश्चंस आया था, किसी ने कहा था बहुत जिनको हार्ड लगा था, उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह बहुत ईजी था, है ना। तो क्वेश्चंस एकदम 10th के लेवल में आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है। मैथमेटिक्स में सिलेबस की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसमें देखिए पॉलिनोमियल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, रियल नंबर्स, सेट्स, ये सब जो जो मेन टॉपिक्स है ये सब इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में यही सब मेन टॉपिक्स जो आपको तैयारी करना है। अगर आपके पास RS अग्रवाल है मैथ का तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा 10th का बेसिस में, ठीक है। क्योंकि RS अग्रवाल में हर एक क्वेश्चंस का सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मेंशन दिया हुआ है। अगर आप डेली उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा मिल रहेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए आप ऊपर जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बात किया जाए, देखिए इंग्लिश में आपसे एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट, पैसेज, ये सब क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, ओके। फिर आपका स्पॉटिंग द एरर्स, अगर कुछ भी एरर वगैरह स्पॉट करना है तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन हो गया, है ना, तो यही सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो देखिए, करंट अफेयर्स में जो हिस्ट्री क्वेश्चंस वगैरह है, बहुत पुराना क्वेश्चंस जो आपका जो बहुत पुराना हिस्ट्रीज वगैरह क्वेश्चन है वह सब पढ़ लीजिएगा। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इंडिया का हर स्टेट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए अच्छा से, इंडिया का हर स्टेट्स का CM कौन है ना, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लीजिएगा। आपको इंटरनेट में सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब में, गूगल में सब मिल जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा अच्छा से जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी ओकेशन हुआ वो सब का इम्पॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए, है ना। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ, हु इज़ हु, कौन है, ये सब जान लीजिए। बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब थोड़ा बहुत अच्छा से जान लीजिए, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और गूगल में तो मिल ही जाएगा आपको। और जो अभी करंट सिचुएशन जो चल रहा है, आपसे ओलंपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, है ना। अभी जो हाल फिलहाल ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में कौन किसको सिल्वर मेडल, किनको गोल्ड मेडल
मिला है वो सब से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, तो ये सब अच्छा से एकदम जान लीजिए, उसको नेट के माध्यम से आप देखिए, आपको नेट गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, वहाँ से सर्च कीजिए और एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। साइंस की बात की जाए, साइंस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, है ना। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा बुक लेना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वही बुक से अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपके पास वो सब बुक्स भी अगर रहा तो आप वहाँ वो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। बुक क्या है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ हो गया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मूवमेंट, पैरेलल फोर्स, है ना, वर्क पावर एंड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोमीटर एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्शन, लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो जो टॉपिक्स है एकदम अच्छे से पढ़िए, इसका जो जो फॉर्मूलाज है, क्या क्या डेरिवेशंस है, वो सब एकदम अच्छा से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे आपको इस एग्ज़ाम में, ठीक है। कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, नेचर ऑफ मैटर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, मेटल्स एंड मेटलर्जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंबशन एंड फ्यूल्स, ये सब जो जो मेन मेन टॉपिक्स जो आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आप यही सब टॉपिक्स पढ़िए। एनसीईआरटी बुक तो आपके पास है ही, है ना, और आपका तो टेंथ का नोट्स तो है ही आपके पास, तो वहाँ से पढ़िए। और बुक की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया आर एस अग्रवाल बेस्ट रहेगा मैथ के लिए, एनसीईआरटी बुक्स तो आपके पास है ही, है ना। और अगर आपके पास टाटा स्टील अप्रेंटिस का अगर आपने आपके पास क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बुक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना कोई भी बुक स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपको टाटा स्टील अप्रेंटिस का करंट जो कि 2020-2021 का बुक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं, वो लेके आप अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, जल्दी से जल्दी आप अपना तैयारी कर लीजिए। और हाँ, उतना हार्ड रहेगा अभी नहीं, क्योंकि देखिए ये टेंथ का बेसिस में एग्ज़ाम है आपका, इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाएंगे वो सब टेंथ के बेसिस में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, है ना। जीके को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, रीजनिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको सब कुछ गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये सब क्लियर पता चल गया, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो उम्मीद करता है आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।